संत समाज की, संत समाज की, नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह देव भगवान की, भागवत कथा की, भागवत कथा की, बोले नरसिंह देव भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। आज श्री नरसिंह धाम गोविंद सर से जो है श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन जो है किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में आज से ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ होगा। आज सर्वप्रथम गणपति पूजन के उपरांत जो है कलश यात्रा जो है ये निकाली जाएगी, और तदुपरांत जो है कलश यात्रा के बाद भागवत पूजन एवं नित्य प्रति जो है हवन जो है किया जाएगा, और तदुपरांत जो है भंडारे का भी आयोजन है। ये कार्यक्रम जो है 7 दिन का जो है चलेगा, और इसमें जितने भी धर्म प्रेम बंधु हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, साथ ही तन मन धन जिस प्रकार से हो सेवा करें, और अपने जीवन को जो है पुण्य के भागी बनाएं। इस सप्ताह में कथावाचक जो हैं श्री रोशन लाल जी शास्त्री जो हैं पथवाल वाले, वो कथा जो है करें। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। तो आप सभी को जैसे महाराज जी ने यहाँ पे बताया बड़े स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में, कि भागवत कथा का जो आयोजन आज से गांव गोविंदसर नरसिंह धाम में जो शुरू हो गया है, तो आप सभी से जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हो, आज कलश यात्रा प्रथम जो होता है गणपत पूजा के बाद प्रथम कलश यात्रा निकाली जाएगी, अभी जो शुरू हो चुकी है, और उसके बाद ये 7 दिन तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा, और उसके बाद कथा के बाद शाम को भंडारा भी हर रोज़ होगा। शाम को 8 बजे हमारा कीर्तन जो कार्यक्रम होगा, रोज़ सत्संग, नई नई बाहर से जो सत्संग की टीमें बुलाई जाएंगी, वो भी शाम को आयोजन होगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, क्योंकि आज जो हालात बनते जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, उसके लिए ऐसे आयोजनों का होना, ऐसे सनातन का प्रचार होना, ऐसे हमारी संस्कृति का प्रचार होना, और संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ये प्रवचन जो गीत मतलब भागवत कथा के सुनाए जाते हैं, ये हम लोग आत्मसात करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, इसी उद्देश्य के साथ ऐसे भागवतों का आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हो, ये बहुत पुण्य का काम होता है कि आपके इस गाँव में, पवित्र गाँव में कहता हूँ गाँव गोविंदसर, यहाँ पर नरसिंह भगवान जी साक्षात विराजमान है, उनके छत्र छाया, उनका आशीर्वाद पूरे गाँव को और पूरे निवासी इलाकेवासियों को है, तो आप सभी भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और इस भगवत कथा का जो यहाँ पे हमारे परम पूजनीय शास्त्री जी महाराज मतलब रोशनलाल जी शास्त्री जी द्वारा, उनके मुख से द्वारा हमारे यहाँ प्रवचन यहाँ सुनाए जाएंगे, दूसरा हमारे परम पूजनीय महंत श्री 108 महंत भगवान दास शास्त्री जी महाराज के दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम सारा आयोजित होगा, पूरे गांव के लोग, माताएं, बहनें, सभी लोग जो इसमें शामिल हैं, आप सभी को हम एक बार पुनः आमंत्रित करते हैं कि इस भागवत कथा में जो गांव गोविंदसर से आज से शुरू हो रहा है, आप आमंत्रित हैं, आप सभी आइए। धर्म की।